रुक रुको दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ काले रंग का मेलोनवा। ये भी बड़ा कम होता है इंडिया में, ये भी इक्का दुक्का ही कुत्ते हैं ऐसे। भैया ये क्या है, क्या ये चीज है भाई? तो कार्तिक भाई, मेरा नाम अमित कुमार और मैं, मेरे को जैसे आप जानते ही हो, मैं बेल्जियन मेलोनवा ब्रीड करता हूँ। तो मैं ये अभी काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी ब्लैक कलर का बेल्जियन मेलोनवा की, कि यहाँ पे कलर का भी थोड़ा सा चल रहा है। तो ये मैंने अभी नीदरलैंड से मंगाया है ये डॉग जो है, और ये KNPB ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन के लिए क्या है, उसके लिए एक हम सेपरेट अगर ब्लड लाइन के ऊपर वीडियो बना लेंगे। और काफ़ी लोगों की और मेरे क्लाइंट्स का भी था, जो जिन्होंने पहले भी मेरे से डॉग लिए हैं, और लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर का मेलोनवा काफ़ी कलर पे भी, अब जैसे इंडिया में फोन कलर तो काफ़ी लंबे टाइम से चल ही रहा है, तो ब्लैक कलर के लिए भी रिक्वायरमेंट रहती है। मैं कलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बट ये एक नेचुरल रिक्वायरमेंट थी जो मुझे लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, एक ब्लैक कलर का मेल भी ले आते हैं। और ये KNPB ब्लड लाइन का डॉग है जो मैंने अभी बाहर से मंगाया है, ठीक है। और ये 1 ईयर इसको कंप्लीट हो गया, 1 ईयर के अभी आसपास का डॉग है ये, ठीक है। तो अभी आगे हम इसको स्टड में यूज़ करेंगे। और एक डिफरेंट ब्लड लाइन का डॉग भी हमें चाहिए था, जैसे काफ़ी लंबे टाइम से ब्रीड करने के बाद काफ़ी डॉग्स हमने चेंज किया अलग अलग ब्लड लाइन का, मगर KNPB ब्लड लाइन हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की थी अपने कैनल में एक पर्टिकुलर जो कलर के साथ। तो अभी हमने ये ब्लैक कलर के साथ KNPB ब्लड लाइन को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है, हम डच शेफर्ड या फिर मेलोनवा दोनों को इसके साथ हम ब्रीड कर सकते हैं इस कलर को, मगर फ़ोन के साथ मेरे को कई बार ये रहता था कि यार फ़ोन कलर को अगर हम ब्रीड करेंगे तो फिर कई बार वो फ़ोन बच्चे आते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ब्रीडर के लिए थोड़ा सा वो रहता है कि यार उसको एक्सप्लेन करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फ़ोन कलर के पप्स भी आ रहे हैं किसी डच में या फिर मेलोनवा में, अगर ब्लैक मेलोनवा तो, बट हमारे लिए थोड़ा सा वो ऑड हो जाता था कि एक्सप्लेन करने में हमें दिक्कत होती थी। क्लाइंट कई बार नहीं समझते हैं वो चीज़ें, वो कहते हैं यार इसको ये कलर कैसे आ गया या इसको ये कलर कैसे आ गया। तो कलर को लेके इस बार हमने थोड़ा सा किया है कि हम एक ब्लैक कलर का कुत्ता जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। तो ये आप देखते हैं आने वाले टाइम में, अभी ये यहाँ पे अब आप देख लो इसका साइज़ वगैरह भी देखो, अभी ये 1 ईयर का हुआ है तो इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। तो अब ये देखते हैं इंडिया में काफ़ी वर्किंग को लेके ब्लैक कलर का डॉग अभी तक कोई उस तरह का मेरी नॉलेज में नहीं है जो उतना अच्छा वर्किंग कर रहा हो, बट ये इसका वर्किंग भी बहुत अच्छा है, इसकी जो पीछे की जो ब्लड लाइन है वो भी बहुत अच्छी है। तो अभी इस कुत्ते को स्टड में और इन सब चीज़ों में अभी हम यूज़ करेंगे अपने कैनल। तो भैया ये कल को किसी भी कलर में करेगा तो ब्लैक कलर के बच्चे देगा? ब्लैक कलर के पप्स भी आएंगे उसमें, फोन कलर भी होगा क्योंकि इसकी ब्लड लाइन में फोन कलर भी है। इसकी जो मदर थी वो फोन कलर की है और जो फादर है वो इसका ब्लैक कलर है, तो फोन कलर के पप्स भी आ सकते हैं उसमें, कलर में कोई वो नहीं है, कुछ भी कलर आ सकता है। दोस्तों देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लैक कलर, और कई तो पंडित भी कहते हैं भाई ब्लैक कलर का कुत्ता रखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी बात बता दी, कई लोगों के घरों में स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उनको पंडित बोल देते हैं कि जेट ब्लैक कलर का कुत्ता ले आओ। हमारे यहाँ तो जेट ब्लैक कलर का हिंदू में जैसे देखते हो भैरव का रूप मानते हैं कि एकदम जेट ब्लैक कलर का कुत्ता है, तो एकदम भैरव का रूप है, रोटी दे दो जिस सुबह एकदम जेट ब्लैक कलर के कुत्ते को, तो ये बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे हिंदुओं में। चलिए बेल्जियम मेलोनवा ब्लैक कलर के मिलने शुरू हो गए हैं, कितनी और वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।